किसी टाइम जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था उससे पहले जब पुरानी कि हाथस का नाम हिंग में क्यों मशहूर है, यहाँ मुल्तान जो अभी आजकल पाकिस्तान में है वहां पर पठान लोग कंधार वाले एरिया से हींग लाकर और सीधा बाई ट्रेन और बाई बस बाई किसी भी साधन से हाथरस हींग लेके आया करते थे। हींग बेसिकली सारे जितने भी मसाले आपके किसी भी खाने की चीज़ पड़ते हैं उन सबका जो एक टेक तो होता है, जो टेस्ट जो डेवलपमेंट हो जाता है, अगर हमने मसाले डाल दिए सादा सब्जी में तो वो टेस्ट यहाँ पर आ गया उठ के, हींग डालने से वो यहाँ पे रहता है फिर वो डाउन नहीं होता। हींग का काम ये है और यहाँ पर हींग का बहुत हमारे फोर फादर्स को हमारे फादर को बहुत जानकारी थी हींग के बारे में और डायरेक्ट सीधा हाथस हींग आता था और यहाँ पर हींग आने के बाद फिर उसको पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से हींग जाया करती थी। मुल्तान से हाथस काफ़ी लोग आया करते थे, यहाँ एक सराय होती थी उसमें लोग ठहरते थे। इम्पोर्ट बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये इंडियन स्पाइसेस के साथ साथ हर्बल मेडिसिन में भी यूज होता है। वो मेरे एक्चुअली वो लोग नहीं, वो लोग बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, देयर इज नो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहाँ, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। उसके लिए क्लाइमेट और मिट्टी दो ही की चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारा क्लाइमेट उसका हिल जैसे कि वहाँ जहाँ पर हींग होती है वहाँ अमूमन गर्मी में तो टेम्परेचर 40 से 40 डिग्री तक के बीच में रहना चाहिए गर्मी में, और जाड़ों में वो -2, -3, -4, -5 3-4 महीने इतना भी रहना चाहिए तो हींग ग्रो होती है। और लेकिन प्रॉब्लम बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत यह है कि अफगानिस्तान में जो हींग होती है अफगानिस्तान के हालात शुरू से ऐसे रहे हैं कि वहाँ पर आप जाके माल देख नहीं सकते, जब आप माल नहीं देख सकते तो वो क्वालिटी अपने मन से बेचते हैं, अपने मन से बेचते हैं तो 90% केस में झगड़े होते हैं क्योंकि मार्जिन है नहीं ज़्यादा, एक ही आइटम 10 लोगों को आ रहा है, अगर क्वालिटी खराब बेचेगा तो आदमी बेच कैसे पाएगा और उनका पैसा खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि जी पैसा भेजो, हम कहते हैं भाई कैसे भेजें, तुम्हारा माल ही नहीं बिक रहा है, हमने जो माल का ऑर्डर दिया जो माल मंगाया वो माल ही नहीं आया, फिर झगड़ा पड़ता है, फिर वो हालांकि सारे सॉल्ट होते हैं सॉल्ट आउट होते हैं, प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि वहाँ पर आप पैसा पहले भेज नहीं सकते, यहाँ की भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं अगर वहाँ पर पैसा भेज दिया तो वो पैसा कभी कभी माल ही नहीं भेजते, तो आपका पैसा गवर्नमेंट पूछेगी आपने किसको पैसा दिया, और अगर नहीं भेजते तो वो माल किसी और को भेज देते आपका खरीदा हुआ माल तो आपको पैसे लो। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम हर तरीके से बीज लाने में मंगाने में बीज भी इसका इम्पोर्ट हो सकता है और ग्रो करवाने में हर तरह की उसमें पूरी हेल्प कर सकते हैं। सुझाव इसके लिए ये है कि इसके लिए कोई एक ऐसा हमसे कोई भी FGM करने को तैयार है, एक ऐसा गवर्नमेंट के साथ एक हमारे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का होता है कि वो लाइसेंस के थ्रू इसको उसके लाइसेंस मिले, सप्लायर भी लाइसेंस ले उससे क्वालिटी चेक कराए अपनी, बायर भी लाइसेंस ले उससे हम लोग क्वालिटी चेक करें, क्योंकि हमको तो नॉलेज हम तो बचपन से इसमें है, हमको तो पूरा नॉलेज है, अगर क्वालिटी ओके होती है तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर वो डील कम्प्लीट हो जिससे कि कम से कम इंडिया के लोगों को तो लॉस ना हो, और जब क्वालिटी बढ़ी आएंगी तो निश्चित है कि सेल भी बढ़ेगी प्रोडक्ट भी बढ़ेगी और उसका प्रॉब्लम नहीं आएंगी, सॉल्व होगी सारी प्रॉब्लम। यहाँ पर आने के बाद उसकी शॉर्टिंग होती है पर केजी, उसके बाद माल की शॉर्टिंग होती है, 100 किलो माल में से कुल 2-3 किलो माल ऐसा निकलता है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और 10-15 किलो माल ऐसा निकलता है जो मैं फेंकना भी पड़ता है, तो सबकी चीज़ अगर कॉस्टिंग लगाते हैं तो जो 2-3-4 किलो माल है 100 किलो में दो लोग थोड़ा अच्छे मार्जिन से बेच लेते हैं, थोड़ा बीच का माल है उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके लिए ले लेते हैं, तो जब ऐसे हींग जब आती है ऐसे बिकती है ऐसे जब होता है तो धीमे धीमे वो बाज़ार में जाके फिर वो जब तोले में बिकती है तो बिकती है 15,000 रुपये किलो 20,000 रुपये किलो की 200 रुपये तोला, फिर तब लोग कहते हैं हींग बड़ी महंगी है, तो महंगी तो जब इतनी एक टन माल जब जाके 10 ग्राम बिकना है तो निश्चित कितने मार्जिन बीच में हो गए, हर आदमी ने लेना है मार्जिन। यहाँ पे कौन सा ISO स्टैंडर्ड आप जो हींग आप प्रोड्यूस करते हैं
गवर्नमेंट का फसाई FSSI, उसके हिसाब से फूड ग्रेड का जो होता है वो उसमें अल्कोहल का एक्सट्रैक्ट टेस्ट होती है, हम लोग उसको वो करते हैं, फूड स्टैंडर्ड है। गवर्नमेंट की लैब है, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, सब जगह हैं, और हम सब जगह सैंपल भेज के टेस्ट कराते हैं उसको। और सबसे पहले तो आज की तारीख में जितना भी हींग इम्पोर्ट होके आता है वो गवर्नमेंट लैब से टेस्ट होने के बाद ही पास होके तब छूटता है। इंडिया में मेरे ख्याल से एक दो ही यूनिट होंगी जो टोटल ऑर्गेनाइज तरीके से हींग को मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, बहुत कम है, मतलब एक दो से मतलब 10-12 भी हो सकती हैं, बहुत कम है, क्योंकि लोग इसको ना ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाना जानते हैं। मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे सुन के, हिंदुस्तान के अंदर 90% हींग रॉ फॉर्म में बिकती है, जिसको कि गीला हींग बोलते हैं, दुकानों पे बिकती है, वैसे बिकती है, और गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से 10% से ज़्यादा अगर उसमें मॉइस्चर है तो वो फेल है, जबकि उसमें मॉइस्चर होता है 40%, 50%। अब कोई इसका कोई किसी के पास इसका नहीं है कि मेरे ख्याल से तो शायद जो फसाई के जो अधिकारी हैं, जो फूड डिपार्टमेंट के वो हैं, अगर वो किसी भी दुकान पे जाके कहे जी मुझे हींग दे दो एक तोला, तो वो एक तोला हींग अपने रेट के हिसाब से दे देगा, एक के उसको जितनी भी कमाई करनी है उस हिसाब से, लेकिन गील हींग पकड़ा देगा वो गारंटी से टेस्ट में फेल होगी। इसीलिए पैकिंग प्रोडक्ट ही जो सूखा हुआ चूरा पाउडर होता है वही यूज करना चाहिए। हींग का भाव जी, वैसे अगर इम्पोर्ट जो हम माल करते हैं वो $100, $90 सबसे बेस्ट क्वालिटी का भाव है, और इस पर 5% ड्यूटी है गवर्नमेंट की। कंपटीशन काफ़ी है, प्योर माल में काफ़ी कंपटीशन है, और वो हर साल पीछे के जो लोग हैं सेंट्रल एशिया जो यहाँ से आता है, हर साल वो रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ा भी देते हैं, मन मर्जी है, आप जाओगे नहीं आओगे नहीं, और उन्होंने अपने हिसाब से रेट बढ़ा दे रहे हैं, आप मत लो जी रहने दो, क्योंकि उनको उन्होंने अपने आप को एक तरीके से होल्ड जैसा कर लिया है कि उनको मालूम है कि ये नहीं खाएंगे हींग तो ये इनका तो बिजनेस ही खत्म हो जाने वाला है, तो हमें मजबूरी है कि हमको रेट ज़्यादा दे के माल लेना पड़ता है। रिटेल मार्केट में तो जी आप कोई हींग के बारे में जानता नहीं, खरीदने वाला घर जाके जाएगा लगाएगा तब मालूम पड़ेगी हींग कैसी है, तो लोग डिब्बी पे तो डिब्बी से रेट नहीं ले सकता जो प्रिंट है उस पर, वैसे अगर आप खुली उंगली हींग लेते हो तो वो 100 रुपये की भी 10 ग्राम दे सकता है, और शायद आपको 1000 रुपये की भी 10 ग्राम दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लालची हैं वो लोग, और बिजनेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं है, ऑर्गेनाइज प्रॉपर बिजनेस नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर ये हिंदुस्तान में हमारे यहाँ हो, हम इसको डेवलप करें, तो निश्चित गवर्नमेंट को $crore साल का बेनिफिट होगा